वहीं इलाहाबाद के उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और सभी पार्टियां अपने पत्ते खोल चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने नामांकन भरा, लेकिन भरत बेनीवाल टिकट कटने से काफी नाराज दिखेंगे। इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से कांग्रेस में आए पवन बेनीवाल को टिकट दी है, जिससे उनके पूर्व प्रत्याशी रह चुके भरत बेनीवाल नाराज हो गए। भरत को टिकट ना मिलने से उनके समर्थक भी मायूस नजर आए। तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने अपना नामांकन भरा, जहां भरत बेनीवाल ने ना पहुंचकर अपनी नाराजगी का नमूना भी दिखा दिया। गौरतलब है कि भरत सिंह बेनीवाल ने भी कांग्रेस से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन हाईकमान की तरफ से टिकट पवन बेनीवाल को दे दिया गया, जिससे भरत सिंह बेनीवाल नाराज हो गए और उन्होंने अपने समर्थकों की एक बैठक अपने निवास पर बुलाई और नामांकन से दूरी बना ली। भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि वो प्रचार के लिए अभी नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता भरत सिंह बेनीवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मेरी चौथी बार टिकट कटी है, जिससे उनके समर्थक निराश हैं। भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि इस चुनाव में पवन बेनीवाल को कौन वोट देगा। पवन बेनीवाल ने पहले इनेलो और बीजेपी में रहकर लोगों पर जुल्म किया है। मेरी चौथी बार टिकट कटी है, चौथी बारी में पार्टी जीरो हुई है, चौथी बारी होने लग रही है जीरो। अब इन्हें वोट कौन देगा? कौन ने अब पवन मान ले 50 साल हो गए लोगों ने ढूंढ कूटता ने इन्होंने लम रह गया लोगों ने जुलम दास्तियां करी है, फिर बीजेपी में रह के करी है, मारसा करी है, मेरे क्या मैं वोट देगा मेरे को। तो वहीं भरत सिंह बेनीवाल की नाराजगी को लेकर अब हरियाणा कांग्रेस ने कहा है कि इलाहाबाद उपचुनाव में टिकट का फैसला आलाकमान का है, जो रूठे हैं उन्हें मना लेंगे। नाराजगी स्वाभाविक होती है जब किसी पद की आदमी अपेक्षा करता है या किसी भी स्थान की और नहीं मिलता है तो अस्थाई रूप से नाराजगी स्वाभाविक है, क्षणिक होती है। वो उसको हम लोग उस मसले से भी हम उससे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि पवन जी और यहाँ का जो कांग्रेस परिवार है और हमारे जो नेता हैं दोनों यहाँ पर हैं, ये उसे सुलझवाएंगे और वो हमारे प्रत्याशी के साथ। बहरहाल भरत सिंह ने साफ कर दिया कि वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, इसके लिए वो पहले अपने समर्थकों और परिवार से बात करेंगे, फिर ही कोई निर्णय ले पाएंगे। नकुल जसूजा, सिरसा, खबरें अभी तक।